Talking about alliances, you heard it first right here on your channel. Ram Vilas Paswan has in fact sealed the deal with the BJP, getting 8 seats in the bargain. In his news conference, though, Ram Vilas Paswan refused to make the tie-up official, though admitting that his alliance with the RJD has hit a deadlock and that the BJP was an alternative option. लेकिन जब पार्टी विकल्प नया खोजता है, जिसका मतलब है कि जो पुराना विकल्प है, जैसे पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि डेडलॉक हो गया है, और वो डेडलॉक में कांग्रेस के साथ में गठबंधन नहीं था कभी। हमको ये भी नहीं मालूम है कि कांग्रेस कल क्या करेगी, आरजेडी के साथ में जाएगी नहीं जाएगी, वो कांग्रेस के ऊपर में है। हमारा आरजेडी के साथ में जो भी था अलायंस, आरजेडी के साथ में था, कांग्रेस के साथ में नहीं था। कांग्रेस को हम रुपये की हैसियत से हम समर्थन देते रहते थे, तो जो कांग्रेस हमारा आरजेडी के साथ में था वो विकल्प डेडलॉक हो गया है, संवादहीन हो गया है, और इसके लिए पार्टी ने ऑथराइज किया है कि आप नए विकल्प की तलाश कीजिए। बीजेपी एक ऑप्शन है आपके लिए जी, बीजेपी ऑप्शन है आपके लिए, आप बीजेपी के साथ जाएंगे जी? नहीं 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 नहीं, पहले पहले के देखिए, एक वैकल्पिक गठबंधन की बात तभी आती है जब आपके एग्जिस्टिंग गठबंधन में एक डेडलॉक बना हो, तो वहाँ पे एक डेडलॉक है, इसीलिए हम विकल्प की बात कर रहे हैं। राम विलास जी, बीजेपी आपके लिए ऑप्शन है, बीजेपी आपके लिए देखिए, जब वैकल्पिक व्यवस्था की बात हो रही है तो उसमें जो मेंबरों की राय थी, आम मेंबर की राय थी, और उसमें ये भी राय थी कि बीजेपी का भी विकल्प को खोल के रखना चाहिए। आप खुद नरेंद्र मोदी के नाम पे एनडीए छोड़ के आए, देखिए पर्सन ये नहीं है, पर्सन है, पार्टी का मामला है, इंडिविजुअल मामला नहीं है, पार्टी का मामला है, और पार्टी के मामला को हमने अपने जानते जितना देर तक कोशिश था, हमने चेन पुल करने का काम किया, लेकिन पार्टी जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो हमने सारे चीज़ों को पार्टी के ऊपर में छोड़ दिया कि पार्टी का जो फैसला है, आप हमारी विचारधारा को पर्सनली आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। राम विलास पासवान का जो गठबंधन है वो लगभग बीजेपी से तय हो चुका है? लगभग पर हम बात नहीं करते हैं, हमारा खुला हुआ माइंड। राम विलास जी या पासवान जी, सांप्रदायिकता हमारा टारगेट है रोकना, और हमारा लगातार प्रयास आप लोग जानते हैं है, और हम लोग बुझा ही सकते हैं। कोई नहीं मानेगा तो आदमी लड़ेगा, सब सीट पर लड़ेगा।